एंड मुझे जो लगता है सेक्शन बी में ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो थोड़ा सा टफ लेवल करने के टाइम पे आप लोगों को दिमाग में रजिस्टर करना पड़ेगा कि ये टाइप का क्वेश्चन इस तरह से ही हो सकता है ठीक है hey सो so गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स में कौन कौन सा टॉपिक मस्ट डू है एंड कौन कौन सा टॉपिक्स मे डू है और कौन कौन सा टॉपिक्स को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं हम लोग सभी जानते हैं कि फिजिक्स ऐसा एक सब्जेक्ट है अगर आप लोग स्ट्रैटेजिकली ना पढ़ो तो नीट में फिजिक्स में स्कोर करना बहुत ही टफ हो जाता है तो आज हम उसी बारे में डिस्कस करेंगे वीडियो को अंत तक देखना ताकि एंटायर नॉलेज हो सके एंड टॉपिक्स को आप लोग समझ सको कहा से फोकस ज्यादा करना चाहिए एंड किस वाले टॉपिक पे फोकस कम करना चाहिए ठीक है तो चलिए गाइस विदाउट एनी फॉर इंट्रोडक्शन लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो बट वीडियो में जाने से पहले इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस फ्रॉम माय चैनल तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो तो फिजिक्स का जो क्वेश्चन पेपर लेकर अगर हम लोग बैठते हैं तो वहां पर तीन टाइप का क्वेश्चन हम लोग पाते हैं एक टाइप का क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं माइल्ड क्वेश्चन सेकेंड मॉडरेट क्वेश्चन एंड थर्ड इज कॉल्ड द टफ क्वेश्चन अगर नीट का कोई भी पेपर ले लो तो माइल्ड मॉडरेट एंड टफ क्वेश्चन भूर भूर के आते हैं नीट के एग्जामिनेशन में टफ क्वेश्चन आते हैं लगभग

डिस्कस करेंगे कि सेक्शन बी में कौन कौन से चैप्टर से आ सकता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहां पर पहले देखो आप लोग फिजिक्स में हमें जनरली जो टारगेट रखना होगा नीट में एक्चुअल नीट में टारगेट रखना होगा वन टू वन टी के आसपास ठीक वन ट्वेंटी टू वन के आसपास ठीक है तो यहां पर मैंने दो सेगमेंट में डिवाइड किया है फर्स्ट सेगमेंट में डिस्कस करेंगे क्लास इलेवन उसके बाद क्लास ट्वेल्व ठीक है तो चलिए देख लेते हैं क्लास इलेवन से मस्ट डू टॉपिक्स क्या क्या है क्लास इलेवन से मस्ट डू जो टॉपिक्स है आर फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन में पोटेंशियल किसे कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेविटेशनल फील्ड दो ग्रह अगर यहां पर हम लोग प्लेस करते हैं तो एक ग्रह से अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पर प्रोजेक्ट करें तो किस वेलोसिटी में वो दूसरे ग्रह में जाकर पड़ेगा और किस ऑर्बिटल में जाकर सेट होगा ये टाइप का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपका एक ही काम होगा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ढूंढ कर ये आप लोग सॉल्व करो एंड फिजिक्स में और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये इलेवन एंड ट्वेल्व का क्वेश्चन सिर्फ नीट का ईयर करने से नहीं चलेगा जो जो चैप्टर्स में बताऊंगा जो जो टॉपिक्स बताऊंगा उनको जेई में इसके क्वेश्चन पेपर से ढूंढ ढूंढ कर आपको करना पड़ेगा एक ही रीजन है बहुत सारे साल जेई में इसका क्वेश्चन नीट में रिपीट हो जाता है ठीक है जो आपको दिमाग में नॉलेज में रखना होगा ग्रेविटेशन से दो क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं इसलिए आप लोग ये श्योर रहो कि ग्रेविटेशन का अगर आप लोग जेई में प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो तो दो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो ठीक है सेकेंड थिंग रोटेशनल मैकेनिक्स रोटेशनल मैकेनिक्स एक टफ चैप्टर है लेकिन अगर आप लोग एनसीआर से सिर्फ एग्जाम्पल्स करके जाओ रोटेशनल मैकेनिक्स का तो आपका ह्यूज कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है एंड रोटेशनल मैकेनिक से रेडियस ऑफ जायरेशन हा गाइस रेडियस ऑफ जायरेशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको प्योरली रटना पड़ेगा प्योरली रटना पड़ेगा रेडियस ऑफ जायरेशन डिस्क का कहो रिंग का कहो हॉलो डिस्क का हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा ठीक है जो आपको जानना पड़ेगा रोटेशनल मैकेनिक से तीन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो आपको ये अच्छे से करना होगा इसके बाद आते हैं ये दो चैप्टर हो गया तो अब आप लोग कहोगे कि भैया काइनेमेटिक्स कहा गया वेक्टर कहा गया तो देखो एक चीज़ मैं आपसे कह दे रहा हूं वेक्टर काइनेमेटिक्स एक्सेट्रा चैप्टर कुछ कुछ तो आप सभी लोग जानते हो लगभग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग ऑलरेडी जब शुरुआत के टाइम पे होते हैं फिजिक्स में बहुत एफोर्ट देते हो आप लोग लेकिन इस ग्रेविटेशन रोटेशनल मेकैनिक्स काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये चैप्टर्स जब आते हैं आप लोगों का एक लैथर्जी चला आता है ये मेरे साथ भी हुआ था आई थिंक आप लोगों के साथ भी होता है तो वेक्टर काइनेटिक्स काइनेमेटिक्स एक्सेट्रा जो चैप्टर्स है आई थिंक आप लोग कुछ कुछ करके कर सकते हो लेकिन ये चैप्टर्स अगर आप लोग अच्छे से नहीं करते हो जेई में इसका पेपर्स नहीं करते हो सॉल्व प्रीवियस ईयर का नहीं करते हो तो आप लोग बहुत ही पीछे रह जाओगे वन ट्वेंटी मार्क्स से ठीक है रोटेशनल मैकेनिक्स से तीन क्वेश्चन हो गए इसके बाद आते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से इससे तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं फर्स्ट वन डिग्री ऑफ फ्रीडम से सेकेंड वन वेंडरवल इक्वेशन से ठीक है मतलब जो रियल गैस इक्वेशन होता है वो वाला एंड थर्ड वन इज वी क्रिटिकल वॉल्यूम क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर ये वाले कॉन्सेप्ट से जो आपको अच्छे से पढ़ना होगा इसके बाद आते हैं थर्मोडाइनेमिक्स थर्मोडाइनेमिक्स से भी दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ से आप लोगों को कार्नोट इंजिन कार्नोट इंजिन ये वाला टॉपिक इग्नोर नहीं करना है प्रीवियस ईयर्स में बहुत सारे साल कार्नोट इंजिन से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है मेरे टाइम पे भी पूछा गया था लेकिन 2018 में मैंने मिस्टेक कर दिया था तो आपको कार्नोट इंजिन अच्छे से करना होगा फर्स्ट पॉइंट ठीक है फ्रॉम थर्मोडाइनमिक्स उसके बाद वर्क डन जो होता है एक गैस का इक्वेशन दे देगा और ग्राफ दे देगा आपको वो ग्राफ देखकर डिटरमाइन करना पड़ेगा व्हाट इज द वर्क डन दैट गैस स हैज ऑलरेडी डन तो आपको वार्ड डन का जो जो रिलेटेड प्रॉब्लम है इनको आप लोगों को क्या करना पड़ेगा जेई में क्वेश्चन जो होता है वो थोड़ा सा टफ लेवल का होता है तो जेई में क्वेश्चन के लेवल पे आप लोगों को वार्डन इन थर्मोडाइनमिक्स ये करना होगा ठीक है इसके बाद आते थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर यहां पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो थर्मल रेसिस्टेंस जो सीरीज कंडक्शन होता है जो पैरल कंडक्शन होता है डिफरेंट स्लैब्स और डिफरेंट बाढ़ को हम लोग इस तरह से सेट करते हैं कितना थर्मल और कितना हीट कंडक्शन होता है एक्सेट्रा ये आपको करना पड़ेगा अच्छे से और ऐसा भी क्वेश्चन होता है यहाँ पर तीन बार्स दिया गया है यहाँ पर जीरो डिग्री सेल्सियस थर्टी डिग्री एंड यहाँ पर हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तो ये मीटिंग पॉइंट में ये पर्टिकुलर मीटिंग पॉइंट में कितना टेम्परेचर होगा ये से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो आपको अच्छे से करना होगा ये वाला टाइप का क्वेश्चन ठीक है ये हो गया हमारा क्या थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके बाद आते हैं वर्क पावर एनर्जी वर्क पावर एनर्जी इतना भी कुछ खास नहीं है लेकिन यहाँ से दो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है पॉइंट करते जाओ नोट करते जाओ क्योंकि जो बता रहा हो इनसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है वन इज कॉल्यूशन एंड सेकेंड वन इज इंक्लाइंट प्लेन इंक्लाइंट प्लेन में अगर हम लोग एक किसको इंक्लाइंट प्लेन plane... अगर हम लोग एक रिंग को छोड़ दें और डिस्क को छोड़ दें तो वर्क डन कितना होगा कितना वर्क डन कम होगा अगर रफ सरफेस हो तो क्या होगा इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन एंड फ्रॉम कॉलिशन कॉलिशन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉलिशन का हर एक कंडीशन आप लोगों के दिमाग में एकदम रट्टा होना चाहिए ठीक है इसके बाद आते हैं एस एच एम और सिंपल हार्मोनिक मोशन यहां से जो मेन क्वेश्चन आता है यहां पर भी मैं सजेस्ट करूंगा जेई में सिंपल हार्मोनिक मोशन को और वेव्स एंड ऑसुलेशन को जेई में सॉल्व करना रीजन एक ही है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड व्हाट इज कॉल्ड द पेंडुलर मोशन व्हाट इज कॉल्ड द पीरियडिक मोशन इन दोनों के बीच में डिफरेंस और इन तीनों के बीच में जो कंपैरिजन होता है ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से रेडी करना होगा जो आपको जानना जरूरी होगा इसके बाद आता है डॉपलर इफेक्ट डॉपलर इफेक्ट से जनरली दो क्वेश्चंस पूछा जा सकता है डॉपलर इफेक्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको मैं प्रेफर करूंगा इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंस देकर आप लोग कंप्लीट करो इसके बाद साउंड्स एंड वेव्स यहां से चार्ट टाइप का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वन इज फॉर्मूला बेस्ड साउंड एंड वेब से जो फोर फार्मूलाज दिया गया है आप लोगों के सभी के बुक में दिया हुआ है जो फेस डिफरेंस से रिलेटेड फार्मूलाज है वो आपको रेडी करना होगा सेकेंड फेस डिफरेंस किसे कहते हैं वो आपको रेडी करना होगा एंड फेस डिफरेंस को बेस करके कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है वो भी करना होगा एको रिलेटेड प्रॉब्लम साउंड से जो एको रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं वो आपको अच्छे से रेडी करना होगा एंड यहाँ से लास्ट में इंटरफेरेंस एंड ट्यूनिंग फॉर्क ट्यूनिंग टूनिंग से रिलेटेड जो जो है वो आपको रेडी करना होगा क्योंकि ट्यूनिंग का क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है 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 थोड़ा सा घट जाता है इधर उधर ठीक अगर आप लोग ये करके ना जाओ प्रैक्टिस अच्छे से तो आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में क्रैक नहीं कर सकते हो इस टाइप का क्वेश्चन एंड इंटरफेरेंस से फेस डिफरेंस का क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटरफेरेंस आप लोग वेब ऑप्टिक्स में भी पढ़ोगे तो बाद में बता रहा हूं वो चीज इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्लुइड डायनेमिक्स से जनरली इलास्टिसिटी ठीक है इलास्टिसिटी से आप लोगों को जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सा एलिमेंट ज्यादा इलास्टिक है इलास्टिक लेवल कितना होता है कितना स्ट्रेच होगा एक्सेट्रा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप लोग करके जा सकते हो बहुत ईजी सा चैप्टर है एंड यहाँ पर फ्लूइड डायनामिक्स से पॉइजुलिस प्रिंसिपल यहाँ पर अगर हम लोग तीन पाइप को थ्री रेडियस वाला तीन पाइप को सीरियली जोड़ दें तो रेजिस्टेंस कितना होगा पैरली जोड़ दें तो रेजिस्टेंस कितना होगा वाटर फ्लो कितना होगा ये पूछा जा सकता है यहाँ से आपको मैं यहाँ पर भी प्रेफर करूँगा फॉर फ्लूड डायनेमिक स्पेशली जेई में इसका क्वेश्चन देख कर लेना क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है ठीके? इसके बाद आते हैं हम लोग क्लास ट्वेल्व से कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्लास ट्वेल्व से मस्ट डू टॉपिक्स यहाँ पर मैं बताऊंगा ठीक है आई थिंक आप लोग अभी भी वीडियो को देख रहे हो तो अगर आप लोग अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो नीचे अटेंडेंस देखे जाना एंड ऑब्वियसली अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल एंड हिट टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन टू गेट सच दिस टाइप्स ऑफ वीडियो एंड ये वीडियो क्या आपके प्रॉफिट में और काम में आ रहा है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना ठीक है ये हो गया तो चलिए डू टॉपिक्स फ्रॉम क्या-क्या है फर्स्ट वन इज कॉल्ड द मॉडर्न फिजिक्स मॉडर्न फिजिक्स में से पांच से सिक्स क्वेश्चन फाइव टू सिक्स क्वेश्चन आता है तो यहां से जो जो टॉपिक्स क्वेश्चन आता है तो आपको मैं प्रेफर करूंगा एक चीज फर्स्ट आप लोग ट्वेल्व को कंप्लीट करना फर्स्ट आप लोग ट्वेल्व को कंप्लीट करना ट्वेल्व को कंप्लीट करने के बाद इलेवन में आना क्योंकि ट्वेल्व से ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एंड आप लोगों में से बहुत लोगों का स्ट्रॉग होता है एंड भी होते हैं तो अगर आप लोग ट्वेल्व को क्रैक कर सकते हो तो ऑब्वियसली इलेवन क्रैक करना बहुत ईजी हो जाएगा एंड ऑब्वियसली मैं कहना चाहता हूँ जेई में इसका क्वेश्चन तो ट्वेल्व का हर एक चैप्टर को आपको करना ही होगा क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन सब टॉपिक्स में ठीक है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया सेमी कंडक्टर सेमी कंडक्टर में पी एन और डायोड जो, जो

ऑब्वियसली करके जाना है यंग्स डबल स्लेट एक्सपेरिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड अगर हम लोग यंग्स डबल स्लेट एक्सपेरिमेंट को कोई एक सबमर्ज कर दे वाटर के अंदर और कोई एक ऐसे सब्सटेंस के अंदर जिसका म्यू और डिफ्लेक्ट

उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंडक्शन से फेराडिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इलेक्ट्रो से से जा तो इलेक्ट्रो करके, करके जाना तभी आप लोग आसानी से ये क्वेश्चन ये जो सेगमेंट है ई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इन तीनों से लगभग सेवन टू एट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं नीट में तो आपको सिर्फ करना होगा होगा जेई में इसका क्वेश्चन पेपर आपको पढ़ना होगा अच्छे से ठीक है ये हो गया इसके बाद आपको जाना होगा एसी करंट में एसी करंट में आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेन प्रॉब्लम होता है एसी में एसी करंट में एसी में आपको मैं एक चीज सजेस्ट करना चाहता हूं अगर ज्यादा टफ क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग छोड़ सकते हो अगर ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ सकता है तो वो आप लोग छोड़ सकते हो लेकिन अगर एल सी सर्किट एल आर सर्किट एंड एल आर सी सर्किट आपको अच्छे से रेडी हो तो यह छोड़ना एकदम नाइंसाफी होगा क्योंकि अगर आप लोग एलसी एल आर एंड एल आर सी सर्किट को अच्छे से रेडी करके जाओ प्रिपेयर करके जाओ तो इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट होता है एक सर्किट दे देता है वो लोग एंड वो लोग कहते हैं टाइम जीरो में करंट फ्लो कितना होता है टाइम इंफिनिटी में करंट फ्लो कितना होता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो आपको कैलकुलेशन करके निकालना पड़ता है तो ऑब्वियसली गाइज आपको मैं कहूंगा ये ए सी को भी जेई में इसका पेपर से करके जाना क्योंकि वहां पर बहुत वेराइटी क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा ठीक है तो ये अगर आप लोग कर लो एंड उसके साथ टॉपिक्स जो जो हैं जैसे 2018 में क्वेश्चन आया था क्या क्वेश्चन आया था 2018 में क्वेश्चन आया था इलेक्ट्रोस्टेट एंड काइनेटिक्स को एक साथ जोड़कर एक क्वेश्चन वो लोग दिए थे ठीक है तो आप लोग ये क्वेश्चंस जो है डिफरेंट चैप्टर्स का जो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन जनरली सेक्शन बी में वो लोग पूछ सकते हैं तो फर्स्ट आपका टारगेट होगा क्लास ट्वेल्व का ये कंप्लीट करो इलेवन का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट करो उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैट काइनेटिक्स रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस ये सब कंप्लीट करना क्योंकि ये रेस्पेक्टिवली इजी टॉपिक है लेकिन कंसेप्चुअल है कंसेप्चुअल को बाद में करो फर्स्ट वो टॉपिक्स कंप्लीट करो जो आप लोगों का स्कोर इंक्रीज करने में हेल्प करेगा एंड और एक टॉपिक जो मैंने ऑलरेडी मिस कर दिया था दैट इज कॉल्ड द सिग्निफिकेंट नंबर्स का टॉपिक इनमें से एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है अगर आप लोग ये रेडी करके जाते हो तो ऑलरेडी फोर मार्क्स आपके पॉकेट में होंगे ठीक है तो ये था एंटायर डिस्कशन यहां पर और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट में बताना चाहता हूं जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन

फिजिक्स का नीट का 2021 कट सेक्शन बी में ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो थोड़ा सा टफ लेवल का होगा क्योंकि वहां पर ऑप्शंस रहेंगे 15 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन करना पड़ेगा आप लोगों को तो अगर आप लोग वहां पर टफ क्वेश्चन देख लेते हो एक टाइम पे तो आप लोग उसके पीछे ही दिमाग लगाने लगते हो एंड वो जो बाकी इजी क्वेश्चन होगा उनको भी छोड़ देते हो ये साइकोलॉजी जो है ये साइकोलॉजी का फायदा एन वाले उठाएंगे एंड वो लोग क्या करेंगे इंपॉर्टेंटली जो जो टफ थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन और लेंदी क्वेश्चन है वो दे देंगे सेक्शन बी में ताकि आप लोग क्वेश्चन चॉइस करने का टाइम ही ना पाऊं तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आपको रेडी करके रखना होगा ताकि आप लोगों को घबराहट ना हो उस टाइम पे जिस टाइम पे आप लोग एग्जाम लिख रहे हो ठीक है दैन अगर आप लोग ये मेरे मान के चलो तो ये अगर आप लोग कवर कर लेते हो तो वन प्लस तो स्कोर आप लोग कर ही सकते हो ठीक है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक से जो टॉपिक मैंने लास्ट महीने में प्रिपेयर किया था बहुत अच्छे से ठीक है ये हर एक फॉर्मूला हर एक चैप्टर का हर एक फॉर्मूला आपको रेडी करना होगा हर एक पर्सपेक्टिव में आपको क्वेश्चन को समझना होगा क्वेश्चन करने के टाइम पे आप लोगों को दिमाग में रजिस्टर करना पड़ेगा कि ये टाइप का क्वेश्चन इस तरह से ही हो सकता है ठीक है अगर आप लोग ये करते रहो तो फिजिक्स में मैं गारंटी देता आप लोगों को कि वन टू वन स्कोर करना बहुत आसान हो जाएगा ठीक है तो आज सिर्फ इतना ही नेक्स्ट दिन आऊंगा केमिस्ट्री का के स्ट्रेटेजी देकर तब तक के लिए स्टेट इंड बायोमेट्री एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो एट द रेट बायोमेट की थैंक यू गायस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए स्टेट्यूंग